अध्यारोपण प्रमेय क्या होता है, आज मैं डॉक्टर वन्ना रंगा आपके साथ डिस्कस करूंगी। अध्यारोपण प्रमेय यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी रैखिक जाल में किसी अवयव से प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे ऊर्जा स्रोत को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, जैसे कि हमने इस चित्र में देखा। अब हम बात करते हैं उसकी उत्पत्ति की। मान लो कि दो वोल्टा स्रोत E1 तथा E2 तीन प्रतिबाधाएं Z1, Z2 और Z3 से युक्त परिपथ को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इस परिपथ को हमने इस चित्र में दर्शाया है। अगर हम इसके जो ऊर्जा स्रोत है इनको हटाते हैं, जैसे इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि इसमें किया है हमने ए में ओरिजिनल सर्किट है, बी और सी में हमने इसको बी में पहले में E2 को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है और सी में हमने E1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। मानो कि दोनों पार्श्वों का चित्र में दिखाए गए अनुसार धारा I1 तथा I2 बह रही है, तब इस परिपथ के लिए जो समीकरण होंगे E1 is equal to Z1 plus Z2 ब्रैकेट में into I1 plus Z2 I2 और E2 हो जाएगा ब्रैकेट में Z2 plus Z3 ब्रैकेट क्लोज I2 plus Z2 I1। समीकरण से E2 minus in ब्रैकेट Z2 plus Z3 ब्रैकेट क्लोज I2 is equal to Z2 I1, तो I1 is equal to E2 by Z2 minus Z2 plus Z3 divided by Z2 I2। I1 का मान समीकरण में रखने पर E1 is equal to Z1 plus Z2 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट E2 बाई Z2 माइनस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई Z2 I2 ब्रैकेट क्लोज प्लस Z2 I2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज E2 डिवाइड बाई Z2 माइनस ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई Z2 I2 प्लस Z2 I2। ये हो जाता है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज E2 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइड बाई Z2 इंटू I2, यानी कि Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइड बाई Z2 इंटू I2 इज इक्वल टू माइनस E1 प्लस ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज E2 डिवाइड बाई Z2, यानी कि I2 हो जाएगा Z2 डिवाइडेड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1 विद अ माइनस साइन प्लस Z1 प्लस Z1 डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E2। ये हो जाएगा I2 की वैल्यू। और उसी तरह से I1 का जो मान है वो हो जाएगा Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E2। अब हम अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से धारा I1 का मान ज्ञात करेंगे। इसके अनुसार हम चित्र में प्रदर्शित परिपथ की वोल्टता स्रोत E2 को हटा देते हैं, उसकी प्रतिबाधा को नहीं। परिणाम स्वरूप हमें जो परिपथ प्राप्त होगा उसके अनुसार मान लीजिए कि वोल्टता स्रोत E1 के कारण प्रतिबाधा Z1 की धारा I1 बह रही है, तो I1 हो जाएगा E1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 Z3 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z3। ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज E1 डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसी प्रकार परिपथ में दर्शाए गए परिपथ के अनुसार केवल E2 स्रोत लगाने पर मान लीजिए प्रतिबाधा Z1 से धारा I" बह रही है, तो I1" का हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं I इज इक्वल टू E2 डिवाइड बाई Z3 डिवाइड बाई Z3 प्लस Z1 Z2 Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो Z1 I1" इज इक्वल टू Z2 I माइनस I1" यानी कि Z1 प्लस Z2 I1" इज इक्वल टू Z2 I1। समीकरण से I का मान रखने पर I1" इज इक्वल टू Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 इंटू E2 डिवाइड बाई Z3 प्लस Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। I1" इज इक्वल टू Z2 डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E2। अध्यारोपण के प्रमेय के अनुसार Z1 के बहने वाली धारा I1 का मान I1' तथा I1" के सदिश योग के बराबर होगा, चूँकि दोनों धाराओं का दिशा विपरीत होती है
इसलिए I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। I1 इज इक्वल टू Z2 Z3 डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1 माइनस Z2 E2 डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार Z1 से बहने वाली धारा I1 का मान I1 डैश तथा I1 डबल डैश के सदिश योग के बराबर होगा। चूंकि दोनों धाराओं की दिशा विपरीत है इसलिए हम जानते हैं I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। तो इससे हमने ये प्राप्त किया था I1 की वैल्यू। अध्यारोपण प्रमेय से धारा I1 का समीकरण द्वारा हमने प्राप्त किया जो अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करता है। तो ये तो हो गया इसका सिद्धांत। अब हम इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण में परिपथ जो हमने लिया है इस शाखा में धारा I का मान अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। यानी कि यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड द करंट I इन ब्रांच CD ऑफ द सर्किट विच यू आर शोन ओवर हियर। वी हैव अ सर्किट ABCDEF। इसमें जो CD ब्रांच है इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो इसका हल करने के लिए I का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम 5 वोल्ट का स्रोत को लघुपतित करके CD से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। बाद में हम 10 वोल्ट स्रोत को लघुपतित कर CD में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। 5 वोल्ट स्रोत को लघुपतित करने पर AB सिरों पर तुल्य जो प्रतिरोध होगा यानी कि R1 ये हो जाएगा 2 + 1 × 3 / 1 + 3। ये हो जाएगा 2 + 3/4 = 11/4 ohms। अतः 10 वोल्ट के स्रोत से प्राप्त जो धारा हो जाएगी IS1 इज इक्वल टू 10 / 11/4 = 40/11 E। CD से बहने वाली धारा I1 इज इक्वल टू 3 / 3 + 1 × 40/11 = 30/11 amperes। अब 10 वोल्ट के स्रोत को लघुपतित करने पर EF0 पर तुल्य प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू 3 + 2 × 1 / 2 + 1 = 3 + 2/3 = 11/3। तो 5 वोल्ट के स्रोत से प्राप्त धारा IS2 इज इक्वल टू 5 / 11/3 = 15/11 amperes। अतः CD से बहने वाली धारा I2 इज इक्वल टू 2 / 2 + 1 × 15/11 = 30/33 = 10/11 amperes। अतः CD से बहने वाली कुल धारा I = I1 + I2 = 30/11 + 10/11 = 40/11 = 3.64 amperes। तो ये इसकी कुल धारा हमने प्राप्त हुई है। तो जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया था वो ये था कि पहले हमने एक स्रोत को लघुपतित कर दिया यानी कि 5 वोल्ट स्रोत को हमने लघुपतित करके CD जो ब्रांच थी उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया। उसके बाद में हमने 10 वोल्ट स्रोत को लघुपतित कर CD में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों धाराओं को हमने ऐड करके टोटल जो धारा बहेगी वो हमने प्राप्त किया और वो हमने प्राप्त किया कि इज इक्वल टू 3.64 एम्पीयर। इसी तरह से एक उदाहरण और है। परिपथ में शाखा सी के धारा I का मान अध्यारोपण प्रमेय से ज्ञात कीजिए। यानी कि यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड द करंट I इन ब्रांच CE ऑफ द सर्किट विच यू आर शोन हियर इन फिगर 1.4। तो CE हमने यहाँ पे ब्रांच शो करी है और इसमें दो करंट सोर्स है, एक 5 एम्पीयर्स का एक 10 एम्पीयर्स का। तो इस परिपथ को हल करने के लिए हम उदाहरण में लाई गई विधि को अपनाएंगे। परंतु यहाँ धारा स्रोत होने के कारण हमें ABGH0 को लघुपतित करने की जगह खुले परिपथ में रखना होगा। तो ये इसका डिफरेंस है। जो धारा स्रोत होता है उसको हमें खुला परिपथ करना होता है और जो वोल्टेज स्रोत होता है उसे हमें लघुपतित करना पड़ता है। अब प्रथम 10 एम्पीयर स्रोत के सिरों को खुला करने पर सी में बहने वाली जो धारा हो जाएगी I1 इज इक्वल टू -2/2 + 1+3 × 5 = -10/6 = 5/3 amperes जो हमने यहाँ पे दर्शाई है। इसी तरह से अगर हम 5 एम्पीयर्स को खुला स्रोत कर देते हैं तो इसमें जो बहने वाली धारा I2 ये हो जाएगी 3/3 + 2+1 × 10 = 30/6 = 5 amperes। तो सी में बहने वाली कुल धारा I = I1 + I2 = -10/6 + 30/6, क्योंकि हमें पता है कि एक धारा जो बह रही है स्रोत में दूसरी धारा के विपरीत होती है, इसलिए एक में माइनस साइन आया है। और
तो माइनस 10/6 प्लस 30/6 ये हो जाएगा 20/6 इज इक्वल टू 3.33 एम्पियर्स। अब चित्र के विपरीत में विभिन्न शाखाओं में धारा का मान अध्यारोपण के प्रमेय का उपयोग कर ज्ञात करना है। हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी हैव टू यूज टू फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्किट व्हिच आर शोन ओवर हियर इन दिस फिगर। तो प्रथम हम 6 एम्पियर्स के स्रोत के सिरों को खुला करने पर प्रतिरोध R2 महत्वहीन हो जाता है, अतः I1 इज इक्वल टू E1/R1+R3 इज इक्वल टू 24/4+4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। सो I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। अब E1 स्रोत के लघुपतित करने पर I3 इज इक्वल टू 4/4+4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24/8 इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। I1 इज इक्वल टू 4/4+4 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स। I1 इज इक्वल टू I1-I1 इज इक्वल टू 3-3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि I1 और I1 की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत होती है, इसलिए I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स। I3 इज इक्वल टू I3-I3 इज इक्वल टू 3+3 इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स। इसी तरह से हम एक उदाहरण और लेते हैं। इस चित्र में दर्शाए गए परिपथ 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा I का मान अध्यारोपण के प्रमेय से ज्ञात करना है। यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द करंट I फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट विच वी आर शोन ओवर हियर। तो इसका जो हल होगा उसमें जो परिपथ 20 वोल्ट के स्रोत को लघुपतित करके लघुपतित चित्र हमने यहाँ पे दर्शाए हैं। चित्र में नीचे दोनों 5 ओम के प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर है तथा इसके तुल्य प्रतिरोध 5/2 ओम्स है। ये 5/2 ओम्स का प्रतिरोध 8 ओम के साथ श्रेणी क्रम में, अतः तुल्य प्रतिरोध 21/2 ओम का होगा। अब पुनः 2 ओम तथा 21/2 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में, अतः तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/21 इज इक्वल 25/42, यानी कि R हो जाएगा 42/25 ओम्स। प्रतिरोध R 5 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ में कुल प्रतिरोध 5 प्लस 42/25 ओम या 167/25 ये वैल्यू हो जाएगी। तो धारा जो है I1 इज इक्वल टू 10/167/25 इज इक्वल 250/167 इज इक्वल टू 1.49। तो I1 इज इक्वल टू 21/2/2 प्लस 21/2 इंटू 1.49 ये हो जाएगा 1.25 एम्पियर्स। उसी प्रकार 10 वोल्ट के स्रोत को लघुपतित करने पर चित्र के अनुसार परिपथ प्राप्त होगा। इस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध होगा R इज इक्वल टू 8/5/2/5+2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 8 प्लस 10/7 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 11.93 ओम्स। तब सेल से ली गई जो धारा है I1 ये हो जाएगी 20/11.93 इज इक्वल टू 1.68 एम्पियर्स। तो ये हमने बात करी इन उदाहरण की। तो इससे जो I2 जो करंट हो जाएगा ये हो जाएगा 5/5+2 इंटू 1.68 तो 1.2 एम्पियर हो जाएगा, और I जो टोटल करंट है वो इन दोनों का समेशन हो जाएगा, यानी कि I1+I2 तो 1.25+1.2 इज इक्वल टू 2.45 एम्पियर्स। तो ये हमने आज बात करी थी सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। धन्यवाद। अगले क्लास में हम थेवेनिन तुल्य परिपथ क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।